फोर लेन सड़क निर्माण में कार्य करने वाले ठेकेदारों की करीब 45 करोड़ रुपए की पेमेंट संबंधित कंपनी के पास फंसे होने के कारण अब इस वर्ग को भूखे मरने की नौबत आ गई है। यदि शीघ्र ही उनकी पेमेंट की अदायगी ना हुई तो वे आत्मदाह तक करने से गुरेज नहीं करेंगे। ये चेतावनी कीर्तपुर से लेकर नेर चौक तक बन रहे फोर लेन सड़क निर्माण में कार्य कर रही ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र चंदेल ने कही। गत दिवस बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ILNFS के तहत ITNL कंपनी के पास काम किया, लेकिन काम के बदले उन्होंने मेहनताना नहीं दिया है। करीब 45 करोड़ की पेमेंट कंपनी के पास फंसी हुई है, जिसे निकलवाने के लिए 2 साल से अधिक का समय हो गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा आए दिन पेमेंट के लिए टरकाया जा रहा है, साथ ही यहाँ से कंपनी अपना सारा सामान लेकर भी रफू चक्कर हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदार मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस परेशानी का दंश परिवार के सदस्य भी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेमेंट को लेकर कंपनी द्वारा की जा रही आनाकानी के चलते 22 जून को कंपनी के कुड्डी स्थित कार्यालय में ताला भी लगा दिए गए हैं, जबकि सड़क पुल टनन आदि के कार्य को भी पूरी तरह से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि पेमेंट न मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और यदि इस दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो प्रशासन व सरकार जिम्मेवार होगी। चंदेल किरतपुर नेर चौक फोर लेन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रधान हूँ और हमारा एक आंदोलन चल रहा है ITNL कंपनी के साथ, क्योंकि ITNL कंपनी ने जो फोर लेन बना रही है पिछले 2 साल से कॉन्ट्रैक्टर का 40 करोड़